सुरभि व्यास। वैसे तो मैंने जर्नलिज्म और मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस में स्टडी किया है। मेरा एकेडमिक करियर पूरा तरीके से अलग फील्ड में था, लेकिन बचपन से ही थोड़ी सी योगा की तरफ मेरी रुचि रही है, स्पिरिचुअलिटी को जानने की उत्सुकता रही है। स्पिरिचुअलिटी को अगर समझना है तो योगा को जानना और समझना ज़रूरी है। तो ये सोच को ध्यान में रखते हुए मैंने योगा को सीखने के लिए मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया, जो कोर्स न सिर्फ आसन प्राणायाम, मतलब जो हम रूटीन में जो करते हैं योगा को समझते हैं कि वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए ही है, वो कोर्स वैसा नहीं था। वो योगा की फिलोसोफी के बारे में सीढ़ी रही है मेरे लिए। तो वो सीखने से मुझे योगा के लिए काफ़ी कुछ अवेयरनेस आई, सिर्फ योगा के लिए नहीं, ज़िंदगी को सोचने समझने की अवेयरनेस आई। वो सोच रखते हुए मैंने योगा को चुना था, तो वो काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि मैं सेटिस्फाई रही उस कोर्स से। फिर धीरे धीरे मैं समझने लगी और अपने आप ही इस फील्ड में आके लोगों से जुड़ के, योगा के अलग अलग मेंटोर को मिल के काफ़ी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। तो उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं योगा मेंटोर हूँ या योगा टीचर हूँ, मैं एक योग साधिका हूँ। योग को समझने का कभी कंप्लीट नहीं होता, योग एक सीढ़ी होती है। योग क्या है, वैसे हम अगर समझे जाने कि योग क्या है, योग शरीर मन और आत्मा को साधने की, उस तीनों का संयम, तीनों को साधने का जो प्रोसेस है उसे योग कहते हैं। आज के दौर में हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हेल्थ इश्यू से, फिजिकल फिटनेस की वजह से, हेल्थ बेनिफिट लेने के लिए, डिसऑर्डर को दूर करने के लिए हम योग का सहारा लेते हैं। तो योग को हम इतने सीमित दायरे में रख दे तो आगे का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। योग का बेनिफिट तो बहुत दूर दूर तक, हमारे मन को साध सकता है, हमारी आत्मा को प्योर कर सकता है, पवित्र कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। तो अगर हम ये एम के साथ करें, आत्मा को शुद्ध करने का एम लेके अगर चले, तो शरीर और मन पर नियंत्रण तो अपने आप ही आ जाएगा। तो उस मोटिव को साधना जरूरी है, साधना चाहिए, हमें ये एम लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम बड़ा एम लेके चलते हैं तो छोटे एम अपने आप ही सिद्ध होते चले जाएंगे। आज के दौर में हम सिर्फ आसन और प्राणायाम तक जो योग को सीमित रखते हैं, वो न करने के बजाय हम अगर थोड़ा सा उसका दायरा बढ़ा दें तो हमारा मन शरीर वो अपने आप ही, उसका बेनिफिट अपने आप ही हमें मिलता जाएगा। तो इस योग को हमें थोड़ी जो अवेयरनेस आजकल हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो आई है योगा के लिए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अवेयरनेस को हमें और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़े से लिमिटेशन के पर होके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी खुद की लाइफ, हमारी जो सांसारिक लाइफ है, हमारी आसपास की जो लाइफ है, हमारा करियर है, जो भी है, उसको हम अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हम उस क्वेश्चंस को, उसके प्रॉब्लम्स को हम डील कर सकते हैं, हम अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो वो सब बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी लाइफस्टाइल में योगा को अपनाना चाहिए। योगा कोई एक सन्यासियों की कोई साधना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सांसारिक मनुष्यों के लिए दुर्लभ हो जाता है, हम कोई योगी बन जाएंगे या फिर गिरनार या हिमालय में जाके बस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से लाइफ को चलाने की एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है। तो उसको इस तरीके से हमें लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, जिससे हमें योगा का पूरा पूरा बेनिफिट ले सके। अपने दिमाग और मस्तिष्क को सिर्फ शांत करने के लिए भी योगा करते हैं, तो उससे भी आगे निकलना चाहिए, ताकि हम अपने आत्मा को पवित्र कर सके, शुद्ध कर सके। अगर मैंने अपनी लाइफ में योगा अपनाया है, योगा के फील्ड में हूँ, तो ज़्यादातर लेडीज से मेरी बातचीत होती रहती है। लेडीज़ योगा भी करना चाहती हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, वेट लूज के लिए, वो मोटिव लेके आती हैं, ये डिसीज़ क्योर करना है या फिर वेट लॉस करना है।
तो सिर्फ कोई ऐसा भी आती है कि जो डिप्रेशन में है, चिंता में है, तनाव में है, तो उनको क्योर करने के लिए अपनाती है योगा को, अच्छी तरीके से बेनिफिट भी लेती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि योगा का बेनिफिट नहीं मिलता या फिर नहीं करती, अच्छी तरीके से करती है। सर्वांगी विकास अगर हो सकता है तो वो केवल योग से हो सकता है। तो अपनी स्टडीज़ में भी अच्छा करेंगे, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करेंगे, अपनी लाइफ में भी, जो आगे चल के जब करियर बनाएंगे या फिर खुद की सांसारिक लाइफ होगी, सब में भी वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। सर्वांगी विकास अगर हो सकता है तो वो केवल योग करवा सकता है। तो योग को खुद भी अपनाएं, अपनी फैमिली में भी अपनाएं, और ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों को भी योगा में इंटरेस्ट जगाए, योगा की कुछ ना कुछ तालीम दें। सो दिस इज़ माई इनसाइड स्टोरी, व्हाट्स योर्स? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।